वेलकम टू ग्रो बैक गार्डनिंग। ये देखिए मेरे मॉर्निंग ग्लोरी का प्लांट, इसमें लगातार बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और काफ़ी सारे पॉलिनेटर्स को और हमिंग बर्ड्स को ये अट्रैक्ट कर रहा है। देखिए मैं इसकी लगातार डेडहेडिंग करता रहता हूँ और मैं जितनी इसकी डेडहेडिंग करता हूँ उतनी ही ज़्यादा ये दूसरे दिन फ्लावरिंग करता है। देखिए वैसे आज का टॉपिक मेरा मॉर्निंग ग्लोरी नहीं है, इसके ऊपर मैं जल्दी इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ये एक्सोरा का प्लांट। देखिए इसके ऊपर मैंने एक वीडियो शेयर किया था, हाउ टू ग्रो एंड केयर एक्सोरा प्लांट, तो ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक आपके साथ शेयर करूँगा इसकी डिस्क्रिप्शन में, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा यही प्लांट था मेरा, लगभग 2 साल पहले मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था, इसको मैंने ग्रो बैग में लगाया हुआ था। तो अगर आप ग्रोथ देखेंगे तो देखिए बहुत ज़्यादा बुशी हो गया है तब से अब तक, और इसकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है, लगभग 3 टाइम्स हो गया है। और जहाँ इसमें उस समय इसमें 2 या 3 या 4 गुच्छे बनते थे इस तरह से फ्लावर के, अभी आप देखेंगे तो इसमें 40-50 गुच्छे हैं, बहुत ज़्यादा, और भी इसमें लगातार बर्ड्स आ रहे हैं। और फ्रेंड्स ये काफ़ी कम केयर वाला प्लांट है, बस इसको एसिडिक सॉइल पसंद होती है तो आप इसके सॉइल को एसिडिक बना के रखें, उसमें विनेगर या फिर यूज़ करी हुई चाय पत्ती का यूज़ करें ताकि जो एसिडिक लेवल है सॉइल का वो मेंटेन रहे, तो इसकी ग्रोथ और फ्लावरिंग होती रहेगी। और अगर आपकी लीव्स एक्सोरा प्लांट की लीव्स अगर येलो पड़ रही है तो आप इसमें नाइट्रोजन ज़रूर दें, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से इसकी जो पत्तियां होती हैं वो येलो पड़ती रहती हैं। और इसको फ्रेंड्स 5 से 6 आवर्स का सनलाइट भी बहुत ज़रूरी होता है, तभी इसमें अच्छी फ्लावरिंग होती है। और फ्रेंड्स ये जो प्लांट है ये भी, इसको भी मॉइस्चर काफ़ी पसंद होता है, इसीलिए बरसात के सीज़न में बारिश के सीज़न में ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। फ्रेंड्स आपको इस प्लांट के साथ में एक चीज़ जो हमेशा ध्यान देनी है कि इसे कटिंग प्रूनिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर आप इसकी कटिंग प्रूनिंग करेंगे, इसकी कटाई छटाई करेंगे तो देखिए इसमें जितने भी बर्ड्स आते हैं वो ऊपर के सिरे पे आते हैं, टॉप पे आते हैं, तो अगर आप इसको ऊपर से काट देंगे तो डेफिनेटली जो आपकी फ्लावरिंग होगी प्लांट में वो नहीं होगी, तो इसीलिए आप इसकी कटाई छटाई कम से कम करें। इस प्लांट की सबसे अच्छी बात है कि इसमें डेड हेडिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ना आप इसमें डेड हेडिंग करें ना आप इसमें कटाई छटाई करें, आप इसमें फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइज़र दें, एक बार जब इसकी अच्छी ग्रोथ होने लगे आप इसमें, अगर आपकी पत्तियां पीली पड़ रही हैं तो आप इसमें गोबर की खाद या नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र दें, मिट्टी को आप हमेशा एसिडिक बना के रखें, इसको फुल सन में रखें, इसका ड्रेनेज अच्छा हो इस चीज़ का आप ध्यान दें, पानी इसमें रुके ना, और जो इसकी मिट्टी हो वो वेल ड्रेन्ड के साथ साथ में थोड़ा मॉइस्चर भी हो, जैसे कोकोपीट वगैरह का यूज़ करेंगे तो इसमें मॉइस्चर बना रहेगा। तो इस तरीके से जो आपका प्लांट है वो काफ़ी अच्छा फ्लावरिंग करता रहेगा, इसको बार बार फर्टिलाइज़र देने की भी ज़रूरत नहीं है। एक बार रेनी सीज़न स्टार्ट होता है तो रेनी सीज़न स्टार्ट होने पे आप इसको फॉस्फोरस फर्टिलाइज़र दें, फिर आप इसको समर सीज़न स्टार्ट होने पे स्प्रिंग सीज़न में आप इसको फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, तो ऐसे साल में 2 या 3 बार भी आप इसको फर्टिलाइज़र देते रहेंगे तो देखिए इसमें फ्लावरिंग होती रहेगी। तो बहुत ही ईजी गोइंग प्लांट है, ज़्यादा मेंटेनेंस मांगता नहीं है, बस एसिडिक सॉइल, वेल ड्रेन्ड मॉइस्ट सॉइल, 5 से 6 आवर्स का डायरेक्ट सनलाइट, यही इसकी रिक्वायरमेंट है। और देखिए आप इसको देखेंगे तो देखिए कितना बुशी है मेरा ये प्लांट, और मैंने अभी तक इसको पिछले 2 सालों में मैंने इसको एक बार रिपॉट किया है, पहले ये ग्रो बैग में लगा हुआ था और अब देखिए ये मैंने इसको मिट्टी के गमले में लगा दिया है, और मैंने इसमें कभी भी कटाई छटाई नहीं करता हूँ, ना मैं इसको इसमें कभी डेड हेडिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। बहुत बहुत सबसे कम अगर मैं किसी प्लांट की केयर करता हूँ तो वो यही प्लांट है, मेरा एक्सोरा का प्लांट है। और देखिए मैं आपको चारों तरफ से दिखाता हूँ, ये देखिए चारों तरफ इसमें फ्लावर्स आए हुए हैं और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। तो देखिए फ्रेंड आप भी अगर आपके एक्सोरा प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आप भी मेरे इन दिए हुए टिप्स को इम्प्लीमेंट करें तो डेफ़िनेटली आपका जो एक्सोरा प्लांट है उसमें भी अच्छी फ्लावरिंग होगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए साथ ही साथ में ये नील लता, मिलते हैं फ्रेंड्स हम एक नए वीडियो के साथ में जल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।